हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आई हूँ शाहजहाँपुर की सबसे अच्छी नर्सरी, जो कि मेरी फेवरेट है, आलम नर्सरी। और बारिश का पूरा फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा है कि खूब सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स खरीद लेती हूँ, क्योंकि इस गर्मी में दो चार प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए थे, वो भी मुझे लेने हैं। तो देखिए कितने सुंदर एकदम ग्रीन ग्रीन प्लांट्स हैं, बारिश ने सबको नहला दिया है और बहुत ही अच्छे प्लांट्स मिलते हैं यहाँ पर, और रेट भी मुझे तो सबसे ज़्यादा कम लगते हैं। बाकी सब जगह मैं बहुत नर्सरीज में जाती हूँ, बट यहाँ के रेट कम है। तो देखिए कितने फ्लावरिंग प्लांट हैं जो समर में, देखिए वेरीगेटेड जेड प्लांट है, बहुत ही ये, और ये वॉन्डरिंग जीव की कटिंग इन्होंने लगा रखी है। इतनी कटिंग तो हम ऐसे ही बांट देते हैं जितनी एक पॉट में देते हैं। तो देखिए बाकी सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, और इंडोर प्लांट जो हैं ये आपको 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे, ये कुछ लोगों ने निकाल के रखे होंगे। तो देखिए ये एग्लोनीमा है, एग्लोनीमा की बहुत सारी वैरायटी होती है, और ये मॉन्स्टेरा, और ये काफ़ी महंगा प्लांट था, 450 रुपीज़ का था, तो मैंने इसका छोटा वाला लिया था जो कि पॉट्स में था। और इसके आगे है ना, यहाँ पर देखिए शेफलेरा है, और ये भी मुझे लेना है, ये मेरा ख़राब हो गया है। और इधर क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है, सारी ही टाइप के क्रोटन है यहाँ पर, और आपको 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। एरोकेरिया है, ये 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे, इसके साइज के अकॉर्डिंग आपको इसके रेट है। सबसे छोटा वाला 100 रुपये का था, 100 रुपीज़ का, और उसके बाद जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रेट बढ़ेंगे। ये फिडली फिक का प्लांट है, जो एक टाइम पे शुरू शुरू में नया नया आया था तो मिलता भी नहीं था, अब तो अच्छे से मिल रहा है। बैम्बू प्लांट्स हैं, मधुकामनी, टेबल कामनी, सिंगोनियम पिंक एंड नॉर्मल वाली, और देखिए यहाँ पे फर्न लगी हुई है, फर्न भी काफ़ी टाइप की है इनके पास, और ब्रेसिना की वैरायटी, एग्लोनीमा हैं काफ़ी सारे, सॉन्ग ऑफ इंडिया ब्रेसिना का होता है ये भी। और देखिए यहाँ पे एग्लोनीमा है, और ये वेरीगेटेड पीस ले ली और प्लेन पीस ले ली, दोनों हैं इनके पास। कि मैं एक तो ये लैला मजनू का प्लांट खरीद के लाई थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें ट्रिपल कलर में होता है, देखिए इसकी बैक कलर से रेड कलर की लीव्स होती हैं, ऊपर से डबल शेड होता है, वेरीगेटेड। और दूसरा मैंने अपराजिता लिया है, सावन का मंथ आने वाला है तो शिव जी को और विष्णु जी को चढ़ाने के लिए इसमें ब्लू कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं, तो ये बहुत शुभ प्लांट्स में से एक होता है, इसको हर घर में होना चाहिए, और बहुत अच्छा लगता है इसका फूल, बहुत शंख पुष्पी जिसको बोलते हैं। देखिए ये इसकी सीड है, आप फूल नहीं तोड़ते हैं ना, फूल उसकी ये बन जाती है, और ये इसमें लगा रहन दीजिए, पक जाते हैं इसमें फिर ब्लैक कलर के सीड्स, तो आप इसको ग्रो करके ईजिली ग्रो कर सकते हैं घर पर ये प्लांट। मैंने ये पाम लिया था, 3-4 पाम है मेरे पास, लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, छोटे साइज का है ये इंडोर रखने के लिए। और देखिए ये मैंने मॉन्स्टेरा की स्विस चीज़ ली थी, इसमें ये उनके पास बड़े पॉट में लगा हुआ था जो कि काफ़ी महंगा था, 450 मैंने बताया था ना वो, तो ये मैंने प्लास्टिक की थैली में, जो नर्सरी थैली होती है उसमें पैकेट में वो लिया था, इसकी 2 वैरायटी, ये थोड़ा बड़ा वाला लिया है मैंने तो बड़े पॉट में लगाया है, ये छोटा मॉन्स्टिक में लगा दिया है। और इसकी एरियल रूट्स होती हैं जो कि ये एकदम पकड़ लेती है मॉन्स्टिक्स में, तो अच्छे से ग्रो होता है। ये 2 मैंने लिए थे 3, और एक ये वेरीगेशन वाला पीस ले लिया था, ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था, ऑनलाइन बहुत महंगा था, तो ये मैंने लिया। इन सब के मैंने मुझे टोटल याद है मुझे, लेकिन पता नहीं, देखिए ये फिडली फिग मेरे 2 थे, एक पतली, ये लंबे लंबे बढ़ रहे थे तो एक की मैंने कटिंग कर दी ऊपर से यहाँ, और इसकी 2-3 कटिंग लगा दी, क्योंकि अभी रेनी सीजन है, इजीली लग जाएगा, खूब बुशी हो जाएगा प्लांट ये, और ये इंडोर प्लांट होता है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी में इसकी लीव्स येलो हो गई थी। ये शेफलेरा का यहीं पर मेरा इसी पॉट में लगा हुआ था, जिस जो गर्मी से ख़राब हो गया था, तो मैं ये वाला सेम प्लांट टेक करके आई। इसमें एक प्लेन ग्रीन वाला भी आता है, लेकिन ये वाला वेरिएशन वाला है, ये मुझे अच्छा लगता है, तो ये इंडोर प्लांट होता है, बहुत सुंदर लगता है मुझे, तो मैंने ये भी लिया था। और रेनी सीजन में आप प्लांट लगाइए, अच्छे से सेट हो जाते हैं, फिर चलते हैं, इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट को बढ़ा सकते हैं, और इस समय काफ़ी अच्छे हो जाते हैं प्लांट्स,
लीव्स इनकी एकदम ग्रीन ग्रीन शाइनिंग वाली हो जाती हैं। इसमें देखिए ये मेरे रबर प्लांट है, एक तीन टाइप के मेरे पास है। एक ये ऊपर से ये लंबे लंबे पतले पतले बड़े थे, ऊपर से मैंने इसकी पिंचिंग कर दी, जो नई निकल रही थी पत्ती उसको तोड़ दिया। तो देखिए नीचे से इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, नहीं तो नीचे से ये खाली खाली इसकी पत्तियां झड़ गई थी, तो नीचे से नहीं था। दोनों में सेम है, नीचे दोनों में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए ये वाली इसमें यहाँ और ऊपर भी यहाँ पर निकल रही है दो जगह से। तो अगर ऊपर से पिंच कर देते हैं तो नीचे से प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है, जिससे वो बुशी हो जाता है, सुंदर लगता है, पतला पतला लंबा लंबा नहीं बढ़ता। ऊपर से हमेशा बुशी करने के लिए ऊपर से पिंच कर देना चाहिए प्लांट्स को। और फ्लावरिंग प्लांट में भी ऐसे ही करना चाहिए, ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं तो ज़्यादा ग्रोथ। देखिए कबूतरों ने जो मेरा बुद्धा का तोड़ दिया था, मैंने इसमें पॉट में बना दिया इसको, इसमें लगा दी सिंगोनियम और ये भी इसमें लग गई है अच्छे से। बस ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, थैंक यू।